कुबेर देवता को धन का अधिकारी कहा जाता है, यानी कि जितने भी देवता हैं उनका जितना भी धन है उस सभी धन के अधिकारी केवल कुबेर देवता हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि केवल माता लक्ष्मी की कृपा से ही धन की प्राप्ति होती है, लेकिन आपको बता दें कि माता लक्ष्मी को चंचला देवी कहा जाता है, लेकिन अगर आप स्थायी धन प्राप्त करना चाहते हैं तो कुबेर देवता की कृपा पाना बेहद आवश्यक है, तभी केवल स्थायी धन की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार माता लक्ष्मी चंचला देवी होती हैं, इसी प्रकार धन एक जगह बिल्कुल भी नहीं टिकता है, लेकिन जिस व्यक्ति पर कुबेर देवता की कृपा हो ऐसे व्यक्ति के पास अपार धन दौलत होती है और बिल्कुल उसका धन स्थायी रूप से उसी के पास रहता है, यानी कि कभी भी उसे धन की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे खास मंत्र के बारे में जिसे केवल रोज 10 मिनट पढ़ने मात्र से ऐसे स्थायी योग आपके जीवन में बनते हैं कि स्थायी धन की आपको प्राप्ति होती है। यानी कि बहुत सारे लोगों के पास ऐसी समस्याएं होती हैं, ऐसे उनके जीवन में होता है कि धन तो उनके जीवन में आता ही रहता है, लेकिन कैसे चला जाता है ये भी उन्हें पता नहीं चल पाता है, क्योंकि इसे बरकत ना होना कहते हैं। इसीलिए जितना भी धन आता है वे फिजूल खर्च हो जाता है, कैसे खर्च हो जाता है ये भी पता नहीं चल पाता है। इसीलिए स्थायी धन का होना बेहद आवश्यक है। तो इस मंत्र को किस प्रकार पढ़ना है, किस प्रकार क्रिया को करना है, इन सभी चीजों को आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये एक खास प्रयोग है जिसे आप करेंगे तो अपने जीवन में ऐसे बदलाव को देखेंगे कि खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिखते हैं, जिससे भगवान शिव की कृपा हमेशा ही आपको प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि केवल भगवान शिव ने ही कुबेर देव को धन का अधिकारी बनाया है, यानी कि जितना भी देवताओं का धन है, जितने भी आभूषण है, उन सभी के अधिकारी केवल कुबेर देवता है। अब आपको ये भी बता दें कि इस मंत्र को आपको ऐसे ही बिल्कुल जाप नहीं करना है, बल्कि एक खास क्रिया का इस्तेमाल करना है। इस क्रिया को किस प्रकार करना है यही जानकारी आप सही से समझ लें। सबसे पहले तो हर एक मंत्र के जाप के लिए दिशाओं का स्थान रखना बेहद आवश्यक है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि हर एक दिशा कोई ना कोई संकेत देती है, हर एक दिशा अलग ही होती है। जिस प्रकार सूर्य होता है केवल पूर्व से निकलता है और पश्चिम में ही डूबता है, कभी भी वह अपनी दिशा को बदलता नहीं है, क्योंकि हर एक दिशा खास महत्व लिए होती है। तो बस इसी बात को आपको समझना है और मुख आपको उत्तर दिशा की ओर करके बैठना है, क्योंकि यही कुबेर देवता का स्थान है, यही कुबेर देवता की दिशा है। रोज केवल 10 मिनट मात्र बैठने से ऐसे योग आपके जीवन में बनेंगे कि धन बिल्कुल स्थायी रूप से आपके जीवन में वास करने लग जाएगा, यानी कि जितना भी धन आपके जीवन में आएगा वह स्थायी होने लगेगा, फिजूल खर्च बंद हो जाएगा। इस प्रयोग को वो लोग भी कर सकते हैं जो अपने जीवन में कर्ज से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठकर कुबेर देवता की कोई भी तस्वीर या कोई भी मूर्ति स्थापित करके आपको चीनी का भोग कुबेर देवता को लगाना है। ये बात आपको बता दें कि कुबेर देवता को चीनी अति प्रिय है, इसीलिए चींटियों को चीनी खिलाने से भी धन की सभी परेशानी दूर होती है। यह एक प्राचीन प्रयोग है कि अगर आप चींटियों को रोजाना चीनी खिलाते हैं तो फिर आपके जीवन में कभी भी धन की परेशानी हो नहीं सकती है। चाहे आप इस प्रयोग को खुद ही करके देख लें, अगर आज आपके जीवन में आपको नौकरी प्राप्त नहीं होती है, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, या फिर कर्ज से आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो बस रोज चींटियों को चीनी डालना आप शुरू कर दें। पीपल पेड़ के पास निश्चित ही चींटियां मिल जाती हैं। जब आप अपने ऑफिस पे जाते हैं, कहीं घूमने आदि वगैरह जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, तो बस पीपल के पेड़ के पास थोड़ी सी चीनी एक चुटकी भी अगर आप डाल देते हैं और रोज डालते हैं, नियम से डालते हैं, तो ये आप बात जान लें और समझ लें कि फिर आपके जीवन में धन की परेशानी कभी भी नहीं हो सकती है। ये बड़ा ही ज्यादा आसान सा और सिद्ध प्रयोग है। तो इस प्रयोग को करते हुए आप ये कुबेर देवता के मंत्र का जाप भी करें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है, कुबेर मुद्रा को अपने दोनों हाथों से बना लेना है, किसी भी माला का इस्तेमाल नहीं करना है, चीनी का भोग लगाना है और जाप करने के बाद यानी कि 10 मिनट के बाद आपको ये चीनी स्वयं खा लेनी है। कुबेर मुद्रा किस प्रकार बनाई जाती है और उसके क्या क्या लाभ है ये पिछले वीडियोस में भी हमने आपको बताया है। तो कुबेर मुद्रा को अपने दोनों हाथों से बनाकर आपको बैठ जाना है, ये इस वीडियो में भी दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार आपको बनाकर बैठना है। बस इसी प्रकार हाथों को मोड़कर हाथों से उंगलियों से कुबेर मुद्रा को बना लेना है और मात्र 10 मिनट इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र आप ध्यान से सुन लें, यह इस प्रकार है। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्य धीपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापे स्वाहा।
बस इस प्रकार यह मंत्र आपको बोलना है। यह किस प्रकार बोलना है यह भी मंत्र आपको वीडियो में दिखाया गया है। अगर आज आपके जीवन में ऐसे हालात हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सा कार्य करें, कौन सी नौकरी करें, कुछ भी बिल्कुल आपको पता ही नहीं है, तो बस केवल इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दें और फिर अचानक से कहीं ना कहीं से ऐसे योग निश्चित बनेंगे कि पूरा जीवन आपके जीवन में स्थायी धन का वास होने लग जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि 41 दिन लगातार इस प्रयोग को करना है और अगर इसके लाभ आपको अनगिनत मिलते हैं, आश्चर्यजनक लाभ मिलते हैं, तो बस इस क्रिया को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें, क्योंकि मात्र इस क्रिया को करने से अगर धन की सभी समस्याएं दूर होती हैं तो फिर आपको यह बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धन की जो जरूरत है, समस्याएं हैं, यह आपको पूरा जीवन पढ़ने वाली है। यानी कि धन की जो जरूरत होती है वह पूरा जीवन पड़ती है, तो इसीलिए इस क्रिया को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें, फिर कभी भी आपको अपने जीवन में धन की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।